गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए चैप्टर जिसका नाम ट्रांसफार्मर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ क्वेश्चन में प्रायः यह पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखा हुआ होगा आंसर में, तो उस स्थान पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम नहीं लिखा हुआ होगा। और यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम लिखा हुआ होगा, तो वहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम नहीं लिखा होगा। अतः इसका आंसर ध्यानपूर्वक हम लोग देंगे। अगर आंसर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण अंकित है, तो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर टिक करेंगे। और यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस अंकित है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर टिक करेंगे। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले दो प्रकार से जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण उसमें प्रयोग होने वाले कोर के अनुसार किया जाता है। जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सर्वप्रथम लेदराइज पेपर के आयताकार या बेलनाकार स्पूल के ऊपर लपेटा जाता था, और उसके मध्य में सेंटर में लेमिनेटेड कोर प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रचलन नहीं संभव हो सका। इसके बाद कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि क्लोज कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है, इसका प्रयोग किया गया। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से इस क्लोज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यह एक आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का केवल एक सिद्धांत को दर्शाता है, जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि आयताकार कोर के आमने सामने के भुजा पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लपेटा हुआ होता है। कोर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रास्ते का काम करता है, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने में सहायता भी उपलब्ध कराता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने का रास्ता मात्र एक ही होता है, और चूंकि ट्रांसफार्मर का दोनों कॉइल कुछ दूरी पर होता है, इसलिए हवा में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस हो जाता है। इस ओपन कोर टाइप ट्रांसफार्मर और क्लोज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग आज के डेट में नहीं करते हैं। केवल यह एक ट्रांसफार्मर के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए ये कोर वाले ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है। आजकल जो हम लोग ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर का और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर का। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक ही भुजा पर लपेटा हुआ होता है। सर्वप्रथम प्राइमरी वाइंडिंग किया हुआ होता है और उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा हुआ होता है, तथा एक तह पूरा होने के बाद दूसरे तह को स्टार्ट करने के पहले उसके बीच में लेदराइज पेपर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर
सैंडविच वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, अर्थात परत दर परत लेदराइज पेपर के द्वारा अलग रखते हुए हम लोग कॉइल का वाइंडिंग करते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने का रास्ता दो होता है, जिसके कारण इसमें आउटपुट वोल्टेज जितना वोल्टेज हम लोग चाहते हैं लगभग उतना वोल्ट प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर गर्म काफ़ी ज़्यादा होता है, अर्थात इसमें लॉसेस काफ़ी कम होते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर हीट ज़्यादा होता है। आजकल प्रायः 99% जगहों पर जो ट्रांसफार्मर हम लोग प्रयोग करते हैं वह सेल टाइप ट्रांसफार्मर ही है। अब कोर के आधार पर जो तीसरा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है वह है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। यह एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने का रास्ता दो से अधिक होता है, लेकिन बनावट के दृष्टि से इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी जटिल होता है, अर्थात रिपेयरिंग के दृष्टि से यह ट्रांसफार्मर काफ़ी कठिन होता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल हम लोग सर्वो स्टेबलाइजर में ही करते हैं, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में सभी ट्रांसफार्मर के तुलना में लीकेज करंट का मान काफ़ी कम होता है, अर्थात सभी ट्रांसफार्मरों से इस ट्रांसफार्मर का दक्षता अधिक होता है। अब हम लोग वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है जो दिए जाने वाले वोल्टेज को बढ़ा कर करके आउटपुट में प्रदान करता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल छोटा होता है, सेकेंडरी कॉइल बड़ा होता है। प्राइमरी कॉइल के तार का मोटाई कम होता है, सेकेंडरी कॉइल के तार का मोटाई सॉरी प्राइमरी कॉइल के तार का मोटाई ज़्यादा होता है और सेकेंडरी कॉइल के तार का मोटाई कम होता है। इस ट्रांसफार्मर में हम लोग आई पी इज इंटू वी पी और आई एस इंटू वी एस फार्मूला से वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। इस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ने से उसकी करंट का मान घट जाता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग इन्वर्टर्स में तथा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में करते हैं। दूसरा ट्रांसफार्मर जो है हम लोग का वह ट्रांसफार्मर है वर्गीकरण वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आजकल जितने भी ट्रांसफार्मर हम लोग प्रयोग करते हैं 95% वो ट्रांसफार्मर हम लोग स्टेप डाउन प्रयोग करते हैं। जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी सप्लाई को कम करके सेकेंडरी कॉइल में देता है, अर्थात इसका प्राइमरी कॉइल में लपेटों का संख्या ज़्यादा होता है और सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की संख्या कम होता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल पतला होता है और सेकेंडरी कॉइल मोटा होता है। ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज और करंट के अनुसार मार्केट में उपलब्ध होता है तथा सेकेंडरी कॉइल में उपलब्ध सिरा हम लोग अपने उपयोग के आधार पर प्राप्त करते हैं, अर्थात उपयोग के आधार पर इसमें सिरास टर्मिनल्स निकले हुए होते हैं। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा इलेक्ट्रिक
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर जिसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, यह एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कोई प्राइमरी और कोई सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होता है। इसमें एक कॉमन सिरा होता है तथा दूसरा वाइंडिंग जो होता है वो 1 नंबर से 8 नंबर तक निकला हुआ होता है। सभी टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज का गैपिंग एक समान प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों रूप में कर सकते हैं। अर्थात इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग ऑटो कट और ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर्स, मैनुअल स्टेपलाइजर्स में सबसे ज़्यादा करते हैं। अर्थात मैनुअल स्टेपलाइजर, ऑटो कट स्टेपलाइजर और ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का मार्केट में उपलब्ध होता है। एक 90 वोल्ट से 250 वोल्ट के लिए, दूसरा 140 वोल्ट से 250 वोल्ट के लिए, और तीसरा ट्रांसफार्मर यूज जो हम लोग करते हैं वो है 50 वोल्ट से 250 वोल्ट के लिए। 140 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर में सभी सिरे के बीच वोल्टेज का अंतर 10-10 वोल्ट होता है। अर्थात यह प्रत्येक स्टेप पर 10 वोल्ट को घटा सकता है या 10 वोल्ट को बढ़ा सकता है। जबकि 90 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर में प्रत्येक टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज का डिफरेंस 20 वोल्ट होता है। यह ट्रांसफार्मर प्रत्येक स्टेप पर 20 वोल्ट को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। जबकि 50 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर में प्रथम 4 स्टेप पर 20 वोल्ट चेंज होता है और शेष 4 टर्मिनल्स पर 25 वोल्ट के अनुसार वोल्टेज का टेपिंग किया हुआ होता है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग फेज के अनुसार ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आप लोग ट्रांसफार्मर के हरेक पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करेंगे और उसे पढ़ेंगे। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ इस ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स को हम लोग वीडियो क्लास में शेयर करेंगे। थैंक यू।